ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है। आज दिन गुरुवार 9 मई 2024 मेष से लेकर मीन राशियों तक का क्या है हाल, चलिए जानते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज सुबह 6:23 तक रहेगी। उसके बाद पूरन दिन आगे आज द्वितीया तिथि रहेगी और नक्षत्र कृतिकाय रहेगा जो कि दिन के 11:56 तक प्रभावी रहेगा। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रदेव आज वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आज का शुभ मुहूर्त 11:51 से 12:44 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ समय के साथ साथ अशुभ समय का भी ध्यान रखें, यानी आज का राहु काल 1:58 से शुरू होकर 3:44 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी अशुभ और अमंगल कार्य ना करें। राहु काल का समय बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। दोस्तों क्या कहती है आज आपकी राशि और आज आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपका बहुत ही शुभ हो, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि वालों, दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज उसके फल की प्राप्ति उम्मीद से ज़्यादा हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले पूरी रूपरेखा बनाने से ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल होंगे। निगेटिव आधार पर बात करें तो रिश्तों को संभालने और वर्तमान में ही रहें, वरना बीती हुई नकारात्मक बातें आपका आज भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की स्थिति बनी हुई है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यवसाय से जुड़ी बात करें, कारोबारी मामलों में पूरी शिद्दत से अपने कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों पर भरोसा करना या निर्भर रहना उचित नहीं है। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव बना रहेगा। लव से जुड़ी बात करें, पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति संवेदना रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप अपने दिनचर्या और खान पान पर व्यवस्थित रहेंगे और आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें। हो सके तो गैस कब्ज जैसी दिक्कतों से बचने के लिए अपना खान पान व्यवस्थित रखें। आज आपका भाग्यशाली रंग बादामी और भाग्यशाली अंक 3 है। वृषभ राशि वालों, ही निवेश करने की योजना है तो तुरंत क्रियान्वयन करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पारिवारिक सदस्यों की खुशी प्राथमिकता पर रहेगी और सुख सुविधाएं व शॉपिंग में समय व्यस्त रहेगा, खर्चा भी अधिक होगा। निगेटिव आधार पर देखें, किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रता रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें, कार्यस्थल पर मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वास्तु के नियमों का भी पालन करें। ऑफिस में फाइलें और दस्तावेज संभालने में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। लव दृष्टि से देखें, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा तथा घर परिवार का वातावरण भी सौंदर्यपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना आवश्यक है। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। आज आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 3 है। मिथुन राशि वालों, पॉजिटिव आधार पर ग्रह स्थिति अनुकूल है। सामाजिक गतिविधियों में उपस्थिति रखने से जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। कोई मुश्किल रहा आसान होने से संतुष्टि का भाव रहेगा। दैनिक कार्य सुगमता से संपन्न होते जाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। निगेटिव आधार पर समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। अपनी जिद्दी और ईगो जैसे स्वभाव को नियंत्रित करें। कुछ लोग आपका अहित करने का प्रयास करेंगे परंतु सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए दूसरों की चिंता किए बिना अपने कार्यों में प्रयासरत रहें। व्यवसाय से जुड़ी बात करें, आपने कोई नया उद्यम या कार्य शुरू किया है,
अभी बहुत अधिक धैर्य और मेहनत की ज़रूरत है। मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से जुड़े व्यवसाय में विस्तार होने की संभावना है। विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ या लंबित पड़ा हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। लव के आधार पर बात करें, मुश्किल समय में परिवार तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे आपका मनोबल बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय अनुकूल है। स्वास्थ्य से जुड़ी बात करें, कार्य के दबाव का असर आपके स्वास्थ्य पर भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से अनिद्रा और बेचैनी की समस्या रहेगी। कुछ समय सकारात्मक गतिविधियों में भी जरूर व्यस्त करें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 2 है।